नमस्कार, BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस तरह हर दिन अपने आप में खास होता है, उसी प्रकार आज यानी 8 अक्टूबर का दिन भी देशों दुनिया में खासा महत्व रखता है, जिसके चलते आइए जानते हैं आज का दिन विशेष। आज से 89 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 यानी आज के दिन भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना बल, वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। यह भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है, जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी जैसे महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। वायुसेना दिवस पर भारतीय वायु सैनिकों की बहादुरी, शौर्य और परिक्रमा के लिए उन्हें सलामी करती है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसे 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। इसने 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1950 में आजादी यानी पूर्ण गणतंत्र घोषित होने के बाद इसमें रॉयल शब्द हटाकर उसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आसमान के इन प्रहरियों को इस दिन वायुसेना के नायकों और उनके परिवारों को अभिवादन करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जानी कहती ही एक ऐसे एक्टर की छवि सामने आ जाती है जिसकी आवाज की कशिश और एक्टिंग के हुनर के सभी कायल थे। वो कोई और नहीं, बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता राजकुमार थे। आज के दिन 8 अक्टूबर 1929 में उनका जन्म हुआ था। बॉलीवुड के लेजेंडरी अभिनेता राजकुमार की पुण्यतिथि आज है। उनका निधन गले के कैंसर के कारण 3 जुलाई 1996 में हो गया था। वह आज नहीं है, लेकिन उनके डायलॉग्स, स्टाइल और एक्टिंग लोगों के जहन में जिंदा है। इनका असली नाम कुलभूषण पंडित है, लोगों ने प्यार से जानी कहकर पुकारती थी। हालांकि राजकुमार का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1929 को हुआ था। राजकुमार हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेता है। राजकुमार ने अपने करियर में कई फिल्में की थी। साल 1940 में वह मुंबई आए थे। इसके बाद उनका फिल्मी करियर आगे चल पड़ा था। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म रंगीली से की। इसके बाद आबशार, घमंड आदि कई फिल्में आई। बता दें कि इससे पहले वह मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर थी। राजकुमार ने अपनी फिल्मी करियर में कई फिल्में हिट की है, जैसे तिरंगा, मरते दम तक, पाकीजा, हीर रांझा आदि। उन्होंने फिल्म मदर इंडिया में अभिनेत्री नरगिस के साथ भी काम किया था। बता दें कि राजकुमार ने फिल्म में नरगिस के पति श्यामू का किरदार निभाया था। उनके इस फिल्म ने सिनेमा घरों में काफी धमाल भी मचाया था। हालांकि उनका कहना था कि उनकी फिल्में एक वक्त पर बिल्कुल भी नहीं चलती थी। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि पिक्चर चले या ना चले, लेकिन वो फेल नहीं हो रहे हैं। आज का दिन भारतीय साहित्य के लिए इतिहास में बेहद ही दुखद साबित हुआ। आज के दिन 8 अक्टूबर 1936 में हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने अपनी आखिरी सांस ली। अब तो जाते हैं मैं कदेमी मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। कुछ इन्हीं चंद शब्दों के साथ तब के अध्यापक और आज के हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने अपनी आखिरी सांस ली। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने धनपत राय की बजाय प्रेमचंद उपनाम रख लिया। उनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो डाकघर में मुंशी का पद संभालते थे। वे शुरुआती दिनों में चिनार में शिक्षक थे, तब उन्हें 18 रुपए तनख्वाह मिलती थी। वे हिंदी के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी पर भी बरकरार की पकड़ रखते थे। लेखन को रोमांस और कल्पना की ऊंचाइयों से खींचकर समाज को मानवीय सच्चाइयों से रूबरू कराने वाले हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद कभी एक टीचर थे। वो गांव के एक स्कूल में 18 रुपए तनख्वाह में पढ़ाते थे। प्रेमचंद के उपन्यास गबन, गोदान, निर्मला आज भी वास्तविकता के बेहद करीब दिखते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी कहानियों का काल्पनिक रचना संसार रचने के बजाय अपने जीवन में भी उस सिद्धार्थ को जिया। जब उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, तो उस जमाने में ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा मामला था। सिर्फ भारत ही नहीं, वो पूरी दुनिया में मशहूर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। प्रेमचंद की कहानियों के किरदार आम आदमी हैं।
ऐसी उनकी कहानियों में आम आदमी की समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव दिखते हैं। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।